तो एक तरफ सुरेश खन्ना राजभर को मनाने में जुटे रहे तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह राजभर को कड़ी नसीहत देते हुए नजर आए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, सरकार में भी रहेंगे और बुराई भी करेंगे। जो हमारे साथ जो रह रहे हैं और वो हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, कहीं उनको उठाना है तो प्लेटफॉर्म कैबिनेट के अंदर होता है, मगर आप अंदर भी रहेंगे और बाहर बुराई भी करेंगे, ये दोनों चीज चलती नहीं है, इसका भी उनको ध्यान देना चाहिए। बढ़ते आगे, योगी सरकार का एक साल हुआ पूरा, एक साल नई मिसाल का जश्न मना रही है योगी सरकार। लोक भवन में राज्यपाल और सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरकार ने पेश किया एक साल के कामकाज का लेखा झोंका। अब भ्रष्टाचार पर फौरन एक्शन के लिए ई संवाद पोर्टल लॉन्च किया गया। मूल्यांकन के लिए एक साल काफी नहीं, ये कहा इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने। और साथ ही ये भी कहा कि एक साल पहले यूपी में जंगल राज था, जंगल राज हटाने के लिए टीम वर्क किया सरकार ने। जब सत्ता में आए तो खजाना खाली था, खाली खजाने के साथ काम करना बड़ी चुनौती रहा। हमने यूपी को विभाजनकारी नीति से बचाया। यूपी की राजनीति परिवारवाद के लिए बदनाम थी। हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। एक बंदर ने रावण की लंका जलाई थी। हम भ्रष्टाचार और परिवारवाद की लंका जलाएंगे। व्यवस्था बदलने के लिए 80,000 करोड़। अयोध्या के लिए कई विकास कार्य किए। महिलाओं के लिए 40 पिंक बसों की सौगात दी गई। 40 बसों में 10 बसों में कर्मचारी भी महिलाएं ही रखी गई हैं। ये सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरकार के एक साल के जश्न पर। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों का मूल्यांकन के लिए एक वर्ष पर्याप्त नहीं, और वह भी उत्तर प्रदेश जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में जहां पर एक वर्ष पहले व्याप्त जंगल राज रहा हो, प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। बताते हुए प्रसन्नता है कि उसी प्रक्रिया को बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल पर एंटी करप्शन पोर्टल को भी उसमें दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उसका वीडियो या उसका प्रमाण अगर वह उस पर लोड कर ले तो उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज से एक नया पोर्टल लागू कर रहे हैं जो एंटी करप्शन पोर्टल के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर एक महत्वपूर्ण प्रहार करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर पहली सरकार है जिसने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजने का कार्य किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने आने के बाद उत्तर प्रदेश के इस विभाजनकारी राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त करते हुए कुछ लोगों को बंदरों से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक बंदर ने रावण की लंका को जलाया था और आज मैं कह सकता हूं कि यह बंदर भ्रष्टाचार दुराचार और गुंडा राज की इस लंका को जलाने का कार्य अवश्य करेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।